जाओ मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है, कौन है आप? जिशान सोफो निजमा, तुम यहाँ? सोफो निजमा रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर जिशान था, और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो, सोफोनिस्मा। क्या बात है जिशान? सोफोनिस्मा कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटे, होगी अपनी ख्वाबगाह में। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और आते ही सोफोनिस्मा को क्यों पूछ रहे हो? उसे तो हमारे पास से गए हुए बहुत देर हो गई है। आजकल तो वो खुद खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और खुद नहीं खाती तुम्हारा इंतजार करती है। जाओ, जाकर उसके साथ खाना खाकर उसे भी आराम करने दो। सोफो निजमा के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऐसा मालूम ही नहीं होता कि यह वही सोफो निजमा है। सच कहा अब्बा जान आपने, पहले तो भाभी जान बहुत सुस्त और काहिल थी, हमसे बात भी अच्छी तरह से नहीं करती थी। वो पूरा दिन अपने ख्वाबगाह में सोती रहती थी, शाम होते ही उठ जाती थी। उन्हें हमारी उनकी मौत का भी गम नहीं था, मगर अब वो हमारे गम और खुशी में शरीक हैं। घर के खादिम और खादिमा को काम ही नहीं करने देती, और सारा काम खुद ही करती हैं। बहुत खिदमत गुजार है हमारे बहू बेगम, मगर ये जिशान बाहर से क्यों परेशान आया था? आप बाहर से बहुत परेशान आए थे, क्या बात है? बहुत अजीब बात है, सुनोगी तो तुम भी पहले हैरान होगी फिर परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी कैसे, बताइए ना। हमारी शादी की पहली रात को ही हमारी अम्मी जान ने देखा था कि तुमसे मिलती जुलती एक लड़की हमारे मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अच्छा, फिर क्या वो लड़की कभी नजर आई? हाँ, वो आज फिर नजर आई, मगर यहाँ नहीं। जब मैं साहिले कस्तून से आ रहा था तो पुराना महल और जंगल के सुनसान रास्ते में मुझे वो नजर आई। अल्लाह खैर, क्या हुआ फिर? मैंने समझा कि तुम हो। मैं? हाँ, बिजली की चमक में मैंने उसकी एक झलक देखी, हूबहू तुम्हारी तरह थी। तौबा तौबा, अल्लाह रहम कर। मैंने पुकारा, वो भाग गई, मैंने उसका पीछा भी किया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। अरे कैसे पीछा नहीं करना चाहिए था, मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बीवी बीच रास्ते पर खड़ी है,
और फिर वो मुझे देखकर भाग रही है, तो ये राज मालूम करने के लिए मुझे उसका पीछा करना ही चाहिए था। ये राज मैं बताती हूँ। तुम बताओ क्या राज है। नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो है जो तुम मुझसे कहते कहते रुक गई। सच सच बताओ क्या बात है, क्या उस राज का ताल्लुक तुमसे है। नहीं। अगर नहीं तो फिर ये आंसू कैसे। ये डर और खौफ के आंसू हैं जो आपकी हिफाजत के लिए दुआ बनकर बह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको उस खूबसूरत बला से बचा लिया। खूबसूरत बला, तुम्हें ये कैसे मालूम। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैले और बदरू डाइने रात को खूबसूरत बनकर जंगल में घूमती रहती हैं, और जब शिकार फंस जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो ये तावीज, तकिए के नीचे रख दो। हमारे घर के सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं। पहले तुम ऐसी नहीं थी, जो तब्दीली तुम में अब आई है उससे हमारे घर में एक नई जिंदगी आ गई है, एक बहार आ गई है। खुदा करे कि ये तब्दीली कायम रहे। एक बात बताओ सोफन, इस बार तुम हमारे बिस्तर पर क्यों नहीं सोती, रात भर इबादत ही करती रहती हूँ। आप पर और आपके खानदान पर कोई मुसीबत ना आ जाए इसीलिए मैं इबादत करती रहती हूँ, वजीफा पढ़ती रहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये वजीफा कब तक पढ़ती रहोगी। 40 दिन तक। 40 दिन तक मैं इंतजार करूँगा, तुम्हारी वजीफे इबादत में खलल नहीं डालूंगा। शुक्रिया, इस बंदी को आपने मुसीबत से बचा लिया। आइए खाना खाते हैं। चलो। ये राज अभी तक मालूम नहीं हुआ अब्बा जान, कि अकरम को दिया हुआ ये तावीज उन फूलों पर पड़ा कैसे पाया गया, और फिर उसी इलाके में मरहूम अकरम की लाश मिली। अकरम के बयान और हमारे इल्म के मुताबिक जीशान की बीवी सोफो निजबा ने ही अकरम का खून किया है। क्या बात है भाईजान, आज आप इतना चहचहा क्यों। आबिदा बहन, तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम भी चहचहाने लगोगी। ऐसी क्या बात है, बयान कर। मैं हर जुमरात की तरह आज भी हजरत नज़ीम मियां शाह बाबा के मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने गया था। वहाँ मेरे बहुत से पसंदीदा दोस्त हैं, तो दे कबूतर कवे मिले। उन्होंने बताया कि मुखबिर जिन भी यहाँ मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने आता है, उस दिन ने हमें बताया कि उसे अकरम की मौत का राज मालूम हो गया है। ये बात भाई जान को यानी मुझे बता देना, इसलिए आप दोनों से मेरी इल्तिजा है कि मुखबिर जिन को बुलाकर राज मालूम कर लो। नहीं, हरगज नहीं, मैं उस नालायक मुखबिर जिन को कभी नहीं बुलाऊंगा, वो एतबार के काबिल नहीं, उसकी बात नामुकम्मल और मालूमात नाकारा है। उसकी की हुई गलतियों की सजा हमने भुगत ली है, हम शर्मिंदा हुए, पछताए, मुआफी मांगी, यहाँ तक कि जिशान और सोफो निजबा की नजरों में हम जलील हुए। इतना कुछ करने के बाद भी वो मुखबिर गैर जिम्मेदार नालायक हमारे जख्मों को हरा करना चाहता है, मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा।